साउथ की कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसका हिंदी वर्जन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग इतनी अच्छी होती है कि पूरा इंडिया उस फिल्म को देखना चाहता है। दोस्तों, इसी अच्छी फिल्मों के श्रेणी में एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है हाथी मेरे साथी। वैसे तो यह फिल्म तमिल लैंग्वेज में शूट की गई है, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होने की वजह से बॉलीवुड ने भी इसका हिंदी कॉपीराइट खरीदा है। इस फिल्म में राणा दग्गुबाती और जोया हुसैन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रभु सोलोमोन ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म 26 मार्च 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी यह है कि बांदेव नाम का एक आदमी गांव की गलियों में हाथी के साथ परफॉर्म करता है अपने गुजर बसर के लिए। असल में बांदेव एक अनाथ है जिसे गांव के लोगों ने बहुत पहले जब वो छोटा था तो तेंदुओं से बचाया रहता है। वो गांव की गलियों में परफॉर्म करते करते एक जू में काम करने लगता है अपने हाथी के साथ। आगे चलकर जब उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना एक जू खोलता है और जू के सारे जानवरों को अपना दोस्त मानता है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो उसकी मुलाकात आरवी नाम की एक लड़की के साथ होती है जो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है। राणा दग्गुबाती को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने कैसे बाहुबली मूवी में अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और इसी तरह के नए फिल्म्स और वेब सीरीज की जानकारी के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।